हेलो क्लास, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 12, चैप्टर 11 एंड इट पार्ट सेकेंड। द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर इज फंक्शन और एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इन द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। एंड द सिक्स पॉइंट इज द सिक्स पॉइंट ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग सच रिलेशनशिप अमंग वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट दे ऑल टुगेदर पुट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग टुगेदर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन, ऑपरेशन, एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स सो एज टू अचीव यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको फुलफिल करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अब इन सारी चीज़ों को वर्क करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक पहुँचने के लिए वी हैव टू नीड कोऑर्डिनेशन। अगर प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग हमने किया मगर उसके ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुई या उसके स्टाफिंग नहीं किया गया तो वो मैनेजमेंट फंक्शन जो है फुलफिल नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होगा? कोऑर्डिनेशन एज अ मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व द सब फंक्शन, जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लीडरशिप। जब ये सारी चीज़ अवेलेबल होगा तो सारे वर्क बहुत ही अच्छे से किए जाएंगे। एक क्लियर डिफिनेशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जो अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसी भी एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ होना चाहिए, एक क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन के अंदर यूनिटी होना चाहिए, जो कमांड जिसको प्रोवाइड किया है वो हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉयज़ के बीच में, और लीडरशिप जो क्वालिटी, जो भी पर्सन जो है बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव पर्सन है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो। लीडरशिप क्वालिटी किसके अंदर होती है? कि वो पर्सन बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकता है, अपने वर्क को अपने सबॉर्डिनेट से बहुत ही अच्छे से करवा सकता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो ये सारी चीज़ पॉसिबल है थ्रू द कोऑर्डिनेशन। थर्ड सेवन पॉइंट है मोटिवेशन। हम लोग जानते हैं मोटिवेशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट में। अगर मोटिवेशन वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है? मोशन से। मोशन मींस मोटिवेशन मींस होता है कि एक किसी भी पर्सन को किसी काम करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए, उस वर्क को बहुत ही उस पर्सन को मोटिवेट करके, साइकोलॉजिकली मोटिवेट करके उस काम को किया जा सकता है। तो मोटिवेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है एक मनी से रिलेटेड एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल होगा कि जब हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि तुम ये काम करोगे तुम्हें ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो वो एक्सटर्नली किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के मोटिवेट होकर के काम करेगा। दूसरा इंटरनली होगा कि उस इंसान के अंदर ऑनेस्टली वो काम करने के लिए कि इच्छा हो कि हम ये काम करेंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट की तरफ जाएगा और हमको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा या हमको एक अच्छे लेवल मिलेगी, तो वो इंटरनली मोटिवेशन हुआ। तो मोटिवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द टर्म मोटिवेशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोशन। मोटिव इज़ एनीथिंग टू इनिशिएट एंड सस्टेन एक्टिविटीज़। I hope you can understand about the motivation, the secondary function of management that is a decision making. अभी तक हम लोग ने प्राइमरी फंक्शन पढ़ा। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्राइमरी फंक्शंस क्या है और कितने तरीके के होते हैं, तो उसमें हम लोगों को पूरी बात लिखना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन। ये सारी चीज़ जो है वो किसके थ्रू है? प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन में डिसीजन मेकिंग। अब प्राइमरी फंक्शन बहुत ही इनिशियल होता है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी फंक्शन तब होगा जब प्राइमरी फंक्शन हो चुका होगा, मतलब प्लानिंग करने के बाद ही हम सेकेंडरी फंक्शन किया कर सकते। अब डिसीजन मेकिंग क्या है? प्रॉपर एंड टाइमली डिसीजन आर वेरी नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस।
manager has to take a decision everywhere and it prevents all the primary functions of management. अब कोई भी सेकेंडरी फंक्शन करना है, मतलब डिसीजन लेना, उसके लिए प्राइमरी फंक्शन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और एक सही मैनेजर सही टाइम पर और सही डिसीजन लेता है. और सही टाइम पर सही डिसीजन लेने का सेंस क्या है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को सही टाइम पर और अपने एक डिटरमाइंड टाइम पर उसको अचीव किया जा सकता है. सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन सच अ वे दैट अदर पर्सन टेक इट एज सच. कम्युनिकेशन का भी रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है मैनेजमेंट में. क्योंकि जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कन्वे नहीं किया जाएगा तो वो काम पॉसिबल नहीं होता. इसीलिए कम्युनिकेशन क्या होता है, वो टू वे कम्युनिकेशन होता है. से ऑर्डर करना, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, बजट, काउंसलिंग, लेक्चर एंड अवार्ड. सेकेंड क्या है, दूसरे तरह से कम्युनिकेशन, रिपोर्ट देना, सजेशन, ग्रेवलेंस, कंप्लेन, प्रपोजल, रिक्वेस्ट एंड क्लेरिफिकेशन. ये सारे चीज़ क्या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है या अपवर्ड कम्युनिकेशन है. थर्ड पॉइंट इनोवेशन. इनोवेशन वर्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इनोवेशन मीन्स टू फाइंड आउट द न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन इटीसी, सो दैट दे मे एग्जिट इन द मॉडर्न एज ऑफ कट थ्रो कॉम्पिटिशन. इनोवेशन की मीनिंग होती है कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करना अपने न्यू टेक्निक्स और प्रोसीजर से, मार्केटिंग के प्लेसेस पर, पब्लिक रिलेशन के, जिससे कि जो मॉडर्न जो एक कंपटीशन है वो इनोवेशन ही के थ्रू उस चीज़ को अचीव किया जा सकता है. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इनोवेटिव चीज़ नहीं ला रही है, अपने मैनेजमेंट में कुछ इनोवेशन नहीं इंक्लूड कर रही है, तो वो इस कॉम्पिटिशन को, इस मार्केटिंग कॉम्पिटिशन को अचीव नहीं कर सकती. इसीलिए इनोवेशंस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो सर्च करता है कि किस फील्ड में हमें किस तरह का इनोवेटिव चीज़, इनोवेटिव डायरेक्शंस लाना चाहिए, टेक्निक्स लाना चाहिए, प्रोसीजर्स लाना चाहिए, जिससे कि हम कॉम्पिटिशन्स को के थ्रू अचीव कर सकें. फोर्थ पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन. मैनेजमेंट आल्सो रिप्रेजेंट द बिजनेस बिफोर गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, लेबर एसोसिएशन एंड आउटसाइड वर्ल्ड. मैनेजमेंट किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट द बिजनेस बिफोर गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, लेबर एसोसिएशन एंड आउटसाइड वर्ल्ड. अब मैनेजमेंट, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है तो उस चीज़ का रिजल्ट क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का बना होता है वो उस चीज़ को अचीव कर लेता है, जिससे कि वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा मैनेजमेंट किस हिसाब से बनाया गया है, जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट ऑफ अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. द लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आस थ्रू इन दिस चैप्टर, कभी कभी शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि इसमें प्राइमरी फंक्शन, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में पूछ सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग. किसी भी तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट भी पूछा जा सकता है. पूरा भी प्राइमरी फंक्शन क्या है या सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन. थैंक यू.